अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और अपने घर में महफूज होंगे, ठीक है ना। आप सब लोगों को ईद मुबारक। अभी आप लोगों के लिए बकरीद गुजरी है, आप लोगों ने खूब इंजॉय किया उसमें, है ना। चलिए अब हम लोग जो है फिर दोबारा से अपने स्कूल की तरफ वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारा काम शुरू होता है फिर दोबारा से, ओके। तो अब हमारा फिर दोबारा से नया असाइनमेंट स्टार्ट होने जा रहे हैं अगस्त सेक्शन के, ठीक है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग जर्नल। स्टूडेंट्स चलिए अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, ओके। जैसा कि आप लोगों ने पहले असाइनमेंट्स में अपनी कॉलम ड्रॉ की थी, बिल्कुल उसी तरीके से हम अपनी कॉलम ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद डेट मेंशन करेंगे और यहाँ पर अपना वर्क लिखेंगे जो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, ओके। ड्रॉ एनी सिंपल फ्लावर ठीक है। ड्रॉ एनी सिंपल फ्लावर, इसमें हम ड्रॉ भी करेंगे और कलरिंग भी, ठीक है ना। तो उसके लिए अब आपको जो भी फ्लावर सबसे ज़्यादा पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, वो वाला फ्लावर जो इजी है, जो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, वो फ्लावर यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद उसमें कलरिंग करेंगे, ओके। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया है, उसके बाद हम यहाँ पर फ्लावर ड्रॉ करेंगे, फ्लावर की पेटल्स फ्लावर के बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें कलरिंग करेंगे, देखिए हमने फ्लावर के पेटल रेडी कर लिए हैं, ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम उसके लीव्स बनाते हैं, ठीक है। देखिए हमारा लीव भी रेडी हो गया, ओके। अब हम फ्लावर पे अच्छे से कलरिंग करेंगे। अब आपको जो कलर पसंद हो, जिस कलर का फ्लावर पसंद हो, पिंक भी होता है फ्लावर, रेड भी होता है, पर्पल भी होता है, तो आपको जो कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आप उस कलर का फ्लावर बना कलरिंग कर सकते हो, ओके। मैं इसमें पिंक कलर कर रही हूँ। इसके पेटल्स में हम पिंक कलर से कलरिंग कर रहे हैं, देखिए हमने पिंक कलर से कलरिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग रेड कलर भी यूज़ कर सकते हो। कलरिंग बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट राइटिंग में कीजिएगा। कलरिंग करने में कलर्स जो है आपके ड्राइंग से बाहर, ठीक है। ये देखिए हमने पिंक कलर फिल किया है सारे पैटर्न्स में, ठीक है। जो आपने फ्लावर ड्रॉ किया है, कोशिश कीजिए कलरिंग करते हुए उसके बाहर ना निकले कलर, वरना आपकी बुक ख़राब हो जाएगी, पेज अच्छा नहीं लगेगा, बार बार मिटाने से, रेज़र यूज़ करने से
और पेपर फट भी सकता है, ठीक है ना। चाहे तो आप येलो कलर कीजिए, फ्लावर डिफरेंट स्टाइल में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल सेम एज इट इज़ बनाइए, ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना। आप किसी और तरह का भी फ्लावर ड्रॉ कर सकते हो, कलरिंग भी कर सकते हैं और इससे ज़्यादा अच्छी खूबसूरत राइटिंग में। देखिए कंप्लीट हो गया कलरिंग, ओके, हमने कलरिंग कंप्लीट कर ली है। इसी तरीके से आप भी बनाइएगा, ड्रॉ कीजिएगा, बहुत अच्छा सा नीट एंड क्लीन। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ओके। अब हम जो सेंटर में इसका सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसमें मैं कलर करूँगी ग्रीन। अच्छा, बहुत सारे फ्लावर्स में देखिए इसके अंदर कलर ब्राउन भी होता है और मस्टर्ड कलर जो येलो से थोड़ा सा डार्क होता है ना, वैसे कल वो वाला कलर भी इसमें कलरिंग हुई भी फ्लावर्स में होती है ना, आपने देखे हैं बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कोई और फ्लावर ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें आप उस तरीके से भी कलरिंग कर सकते हैं। अब हम इसका लीफ पे ड्राइंग कलरिंग करते हैं, ठीक है। लीव भी ग्रीन कलर की ही होते हैं, देखे हैं ना अपने फ्लावर्स के साथ। चाहिए अब अपने जो है जितना भी वर्क है आप लोगों का, आप लोग अपना टाइम टू टाइम जल्द से जल्द कंप्लीट करते जाइए और चेकिंग के लिए फिर भेजते जाइएगा, ओके। काफ़ी बच्चों के काम कंप्लीट हो चुके थे, सिग्नेचर्स भी होके जा चुके हैं चेक होके, तो अच्छा लगता है कि बच्चे अपना वर्क पूरा स्टूडेंट्स टाइम पे करते हैं और चेकिंग के लिए स्कूल भेज देते हैं, ओके। और दुआ कीजिए इंशाल्लाह कि अल्लाह करे जल्द से जल्द हमारे स्कूल खुल जाए, ओपन हो जाए, ताकि आप लोग भी आना शुरू कर दें और उसमें पढ़ाने में और पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आता है ना। ठीक है, ये हमारा आज का वर्क अभी का कंप्लीट हुआ है, फ्लावर ड्रॉ एनी सिंपल फ्लावर। तो आप अपने मर्ज़ी से कोई सा भी सिंपल फ्लावर रेडी कर सकते हैं, ड्रॉ करके उसमें अच्छे से कलरिंग कीजिए, नीट क्लीन साफ़ सुथरा काम कंप्लीट कीजिएगा और अपना टाइम वक्त पे असाइनमेंट सब चीज़ जमा करवाइएगा, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडिंग डिज़ाइन इन स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में हम कोई से भी यहाँ पर स्क्वायर में हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद उसमें हम डिज़ाइंस बनाएंगे, ठीक है।
जो आपको अच्छा लगेगा, जैसे अच्छा लगेगा, जो आप इजीली बना सकते हो वो डिज़ाइन आप स्क्वायर शेप में बनाकर ड्रॉ करके उसमें बहुत अच्छी सी कलरिंग करिएगा। ओके, चलिए अब हम स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। अच्छा देखिए, स्क्वायर हम किस मेथड से बनाएंगे, ये देखिए, इसके लिए ये हमने इंचेस लिए स्केल में, ठीक है। ये देखिए, ज़ीरो पे हमने एक डॉट ड्रॉ किया है और फोर, ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, फिर आप देखिए, यही जो हमने लाइन ड्रॉ की थी ज़ीरो पॉइंट से, तो ज़ीरो से हमने फिर दोबारा फोर तक ड्रॉ करनी है लाइन, ठीक है। इसी तरह से ये वाले पॉइंट से हमने फोर इंचेस तक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर इसी तरह से हमने यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये हमारा स्क्वायर रेडी हो गया। क्योंकि हमारे इसके पूरे जो फोर साइडेज हैं, ये हमारे पूरे फोर इंचेस हैं, ठीक है, इक्वल है। अब हम इसमें ड्रॉ करते हैं, आपको जो अच्छा डिज़ाइन इसमें ड्रॉ करना है आप उस हिसाब से कर लीजिए, मैं आपको फिर भी यहाँ पर ड्राइंग ड्रॉ करना बता दें। देखिए, हमने यहाँ पर कॉर्नर शेप दे दिए 2-2 इंचेस, इधर भी 2 इंच ड्रॉ किए। ये देखिए, ये दोनों कॉर्नर्स को हमने आपस में ड्रॉ कर दिया। ये देखिए, हमने स्क्वायर में डिफरेंट एंगल से हम लोगों ने लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। ओके, अब हम चाहें तो इसमें हम फ्लावर भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे हम पेटल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्वायर बनाने के बाद, ड्रॉ करने के बाद आप कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, मगर शेप आपका स्क्वायर में ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या है, डिज़ाइन इन स्क्वायर, तो हमें पहले स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करने के बाद उसके अंदर एनी डिज़ाइंस जो आपको सूटेबल होते हैं, जो आपको आसानी से बन सकते हैं, आप बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो इजीली, वो हम ड्रॉ करने के बाद उसमें अच्छी सी कलरिंग करेंगे। ठीक है ना, ये अब हमारे पेटल्स भी बन चुके हैं। स्क्वायर शेप हमारा कैसे है, हम लोगों ने ड्रॉ किया इक्वल साइज़ के डॉट्स यूज ड्रॉ कीजिए, 4-4 इंचेस। जब
फोर साइड हम फोर फोर इंचेस ड्रॉ करेंगे अपनी लाइंस, तो आपका पूरा स्क्वायर एक बॉक्स के शेप में रेडी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसमें जो आपको अच्छा लगे डिज़ाइन आप उस हिसाब से अपने डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बाज़ लोग सिर्फ बॉर्डर्स ड्रॉ करते हैं, बाज़ फ्लावर्स ड्रॉ करेंगे, बाज़ जो है बिल्कुल प्लेन बॉर्डर्स के लिए भी ड्राइंग ड्रॉ करके उस पर अच्छे से कलरिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपने मर्ज़ी से मज़ीद चीज़ें आप ड्रॉ कर सकते हो। अब फ्लावर है, ये जो आप अपने ड्राइंग ड्रॉ की है इसमें आप डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने किसी पैटर्न में रेड कर कलरिंग कर ली, देखिए हमारा ये वाला पेटल रेड कलरिंग हमने कंप्लीट कर ली इसमें। ठीक है, इसमें भी हम रेड कलर ही यूज़ कर सकते हैं कि हम सिर्फ टू कलर्स यूज़ करें पेटल्स में। कंप्लीट हो रहा है हमारा, ये वाले हमारे फोर पेटल्स रेड कलरिंग करके हमने कंप्लीट कर लिया है। कलरिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि कलरिंग आपकी ड्राइंग से बाहर ना निकले, वरना आपका पेज अच्छा नहीं लगेगा, सब गंदा लगेगा, ख़राब हो जाएगा। बार बार मिटाने से पेज ख़राब हो जाते हैं और ड्राइंग हमेशा लाइट पेंसिल से बनाई जाती है, ड्रॉ की जाती है। फिर उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ ये चीज़ परफेक्ट हो चुकी है, कम्प्लीट हो गई है, अब इसमें मुझे बार बार किसी चीज़ को ड्रॉ नहीं करना है, मिटाना नहीं है, तो फिर उसके बाद आप उसको कंप्लीट करने के लिए डार्क कीजिएगा। ओके, इसमें हम ब्लू कलर कर लेते हैं ये वाली पेटल में, पर्पल कलर सॉरी। देखिए हमारा रेड एंड पर्पल पेटल्स रेडी हो गए हैं, हमने कलरिंग कर ली है इसके अंदर। ये हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कंप्लीट हो चुका है हमारा कलरिंग होके, तो अब हम इसके बाद ये जो इसकी बॉक्स की जगह खाली रह गई है, अब हम इसमें कलरिंग करेंगे। ओके, अब हम इसमें ओके, अब ये देखिए ये जो बॉक्स स्क्वायर में जो हमने रेडी किया था उसके बॉक्सेस की जगह खाली रहेगी। ठीक है, तो हम इसमें येलो कलर से कलरिंग कर लेते हैं, तो येलो कलर पर्पल और रेड के साथ अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा शार्प लुक आएगा। अब
आपका डिज़ाइन भी ज़रा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और येलो कलर दोनों कलर को बैलेंस कर देगा आपको। जो बॉक्सेस हमारे एम्प्टी थे, हमने इसमें येलो कलर से कलरिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना। तो आपका डिज़ाइन और ज़्यादा कलरफुल लग रहा है, लग रहा है ना। अगर ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो कलर मैंने यूज़ किया है वो ही कलर आप यूज़ करें, ये ज़रूरी नहीं है बेटा। आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी बहुत अच्छे अच्छे कलरिंग कर सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों की सबकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत अच्छा वर्क करते हो अपना। तो इसीलिए आप लोग अपने मर्ज़ी से भी बहुत अच्छे अच्छे कलर यूज़ कर सकते हो और डिज़ाइंस भी कब बना सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों की माशाल्लाह ड्राइंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वर्क करते हो आप लोग। ये देखिए मुझसे भी थोड़ा सा कलर बाहर निकल गया है ड्राइंग से, तो हम इसको रेज़र की हेल्प से रेज़र मिटा देंगे। ओके, अब हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है, डिज़ाइन इन स्क्वायर। ओके, हमारा फ्लावर भी रेडी हो गया था, हमने फ्लावर भी ड्रॉ किया था, ड्रॉ एन ए सिंपल फ्लावर, और हमने स्क्वायर में डिज़ाइन भी हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, तो फ्लावर भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो अच्छा आप लोगों को फ्लावर लगता है, जो आपको कलर बहुत पसंद है, आप लोग अपनी मर्ज़ी से वो भी कलरिंग कर सकते हो। और ये स्क्वायर में डिज़ाइन भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, और बहुत अच्छे कलर, नीट क्लीन सब बहुत अच्छी राइटिंग में कंप्लीट कीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।